नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं की आज सरकार के साथ बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले हरियाणा में बीजेपी सरकार की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। जेजेपी ने हरियाणा बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर MSP पर किसी तरह की आंच आई तो सबसे पहला इस्तीफा दुष्यंत चौटाला का होगा। जेजेपी ने केंद्र से किसानों की मांगों का जल्द हल निकालने की अपील की है। न्यूज एजेंसी INS से बात करते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम ने कहा कि हम किसानों से कहना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के चंडीगढ़ में रहते हुए MSP पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। बावजूद इसके अगर किसानों को MSP को लेकर किसी तरह का नुकसान होता दिखा तो पहला इस्तीफा दुष्यंत चौटाला का होगा। जेजेपी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। जेजेपी ने केंद्र सरकार से किसानों के सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग की है। MSP पर सरकार से ठोस आश्वासन मिलना जरूरी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर मुद्दों को सुलझाएगी, जिससे गतिरोध दूर हो सकेगा। बता दें कि इससे पहले JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला भी केंद्र सरकार से MSP पर कानून बनाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि किसानों की मांग पर केंद्र को विचार करते हुए आम सहमति से हल निकालना चाहिए। सरकार को आंदोलनरत किसानों की परेशानी को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। MSP को एक्ट में शामिल करने पर भी केंद्र को विचार करना चाहिए। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार को सहयोग देने वाली JJP का आधार वोटर जाट और किसान माने जाते हैं। किसान आंदोलन के कारण NDA सहयोगी JJP पर काफी दबाव है। पार्टी अपनी कोर वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन को पार्टी के नेता समर्थन दे चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।